हम लोग वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद है। इब्रानी का किताब छठवां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 6। इब्रानी का किताब छठवां अध्याय हम लोग पहले से पढ़ेंगे। इब्रानी का किताब हिब्रूज चैप्टर 6 फर्स्ट वर्स ऑनवर्ड्स। देयरफॉर लिविंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptism and of laying on of hands, and of resurrection of the dead and of eternal judgment. And this will we do, if God permit. For it is impossible for those who were once
enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to the open shame. For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. But that which beareth thorns and briars is rejected and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. स्वर्गीय पिताजी, ये वचन को आपने, मैंने आपका दास भाई ब्रैनम का जो अनुभव के द्वारा इस वचन को मैंने पाया इस हिब्रानी का किताब, क्योंकि आपने इनका द्वारा उनका आंखों को खुलासा कर दिया, धन्यवाद है। आज हम लोग उसको ध्यान करते हुए प्रभु वही संदेश को हम उठाने वाला है, और परमेश्वर आपका आशीष हमारे ऊपर होने दे। धन्यवाद बोलता है आप हमको सहायत किया, मदद किया, सारी बातों को सारी बातों में हमारे आंखों को खोला, हम आज सब कुछ जानकारी होने के लिए हमको आपने मदद किया, धन्यवाद है परमेश्वर। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल करना, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। वैसे प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। देखिए, ये मैसेज को मैंने इंग्लिश में प्रचार किया, अलग टाइटल में, एक ही सब्जेक्ट अलग टाइटल दिया, क्योंकि एक ही टाइटल का अच्छा नहीं है, इसलिए अलग टाइटल देते हुए मैं इंग्लिश में प्रचार किया। बहुत आशीषदायक मैसेज है, इसमें कोई किसी को मैंने टारगेट करते हुए बोलेगे नहीं, मगर जैसा पवित्र आत्मा जो अगुवाई करता है वैसा मैंने बोलूंगा। पहली बात है, मेरा प्यारा भाई और बहनों, हम लोग देखता है कि ये परमेश्वर का ये जो अंतिम समय में जो है, जो मिनिस्ट्री है, मेहरबानी करके सामने का जो जो ऑनलाइन वाले को भी जरा ध्यान से रखिए। देखिए, इसमें हम लोग देखता है कि प्रभु के नाम को धन्यवाद है, अभी हमको परमेश्वर ने जबरदस्त रूप से भाई ब्रैनम को भेजा, और उसका बाद जो सेवक आया वो जो है भाई रॉबर्ट लैम्बर्ट, उसका इतना ज़्यादा लोग पहचानता नहीं है, मगर भाई ब्रैनम सबको मालूम है। भाई ब्रैनम जबरदस्त एक नबी है, और उनका सेवकाई को हम लोग बहुत पसंद करता है, इसलिए क्योंकि वो सच्चाई को हमारा बीच में ला के रखा है। अगर कोई भी बोलेगा भाई ब्रैनम के बारे में जो हम जानता है प्रभु का द्वारा, बोलेगा उनका हर एक मैसेज हमको आज बहुत लाभ दिया, प्रभु का नाम को धन्यवाद है। मगर देखिए मेरा प्यारा भाई और बहनों, यहाँ पर हम लोग देखता है कि दुनिया में अगर हम लोग देखेगा, चर्चस को देखो, मिनिस्ट्री को देखो, सेवकाई को देखो, सबको सब, अभी हम किसी को भी फंसा नहीं सकता है, हमारा जीवन सब लोग जानता है। देखिए, हम मनुष्य, ये बात सच है, हम मनुष्य नहीं करके ना हम नहीं बोलेंगे, हम मनुष्य, हमारे अंदर बहुत सारा कमजोरी रहता है, प्रभु के अंदर ऐसा कमजोरी नहीं, इतना होते हुए भी परमेश्वर हमको बुलाया। कल भी मैंने एक यूट्यूब को डाला, हमारा नाम ब्रेड का नाम जो है सील्स का नीचे था करके, भाई ब्रैनम बोला आखिरी का प्रार्थना सुनिए आप, वो यूट्यूब में भाई ब्रैनम कितना प्रार्थना में क्या बोलता है, जबरदस्त यूट्यूब है, वैसे कोई भी देखो, मेरे को आशीष दिया इसलिए मैंने उनको डाला। मैं हर बार मेरा कोटेश कोर्स के लिए मैं ऐसा यूट्यूब में खुद डाल के और खुद में सुनता है, बोलेगा बहुत अच्छा लाभदायक है। अभी यहाँ पर देखिए मेरा प्यारा भाई और बहनों, कलीसिया जो परमेश्वर का जो वचन है उनको हैंडल करने के लिए, उनको वो वचन होने दो, जो दान होने दो, कलीसिया के अंदर जो दान रहता है, गिफ्ट्स रहता है,
भविष्यवाणी बोलना, अन्य भाषा बात करना और अलग अलग तरीके का प्रचार करना, ये सब गिफ्ट्स है, ये सब दान है। वैस और इवन फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, दैट दोस आर द गिफ्ट्स। वैस पास्टर हो, टीचर हो, अपोस्टल हो, ये गिफ्ट है। परमेश्वर इनको किसके लिए बुलाया? संत लोगों का सिद्धता के लिए। बाइबल में क्लियर कट दिया है, एफेशियन 4:11, संत लोगों को परफेक्शन में लेके आने के लिए ये सब दान को दिया है। मगर मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वो गिफ्ट को प्रभु दिया संत लोगों को सिद्धता में लेके आने के लिए, परफेक्शन में लेके आने के लिए, मगर मेरे प्यारे भाई बहन, हम ऐसा नहीं है, हम मनुष्य है, हम कमजोरी लोग हैं, हमारा पास बहुत पाप होता है, हम कैसे भी होएगा तो भी क्या हुआ, हम जितना दान है उनको लेके हम शुरू करेंगे सेवकाई को, हम प्रचार के लिए शुरू करेंगे, हम इवेंजलिस्ट का काम करेंगे, हम कलीसिया के अंदर अन्य भाषा में बात करेंगे और उसका अनुवाद भी करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, लोगों की नज़र हमारा तरफ देखते रहता है, क्योंकि सबसे बढ़िया चीज है हमारा जीवन। वयस कोई भी हो, सेवक हो, सेवक नहीं हो, हमारा जीवन को लोग देखता है, हमारा कुछ भी चीजों को लोग ऑब्जर्व करता है, देखता है, वाचिंग करता है। मेरे प्यारे भाई बहन, बाद में वो लोग सोचते, अरे इधर एक सेवक है, कोई भी है, बहुत अच्छा जीवन है, बहुत अच्छा उसका लाइफ है, मगर इधर एक सेवक है, उनका जीवन में बहुत सारा चीज़ है, पेंडिंग चीज़ है, और वो भी बहुत कुछ करता है, जो जेन्युइन, जो सच्चा, जो सेवक करता है वैसे ये भी करता है। मेरे प्यारे प्यारे बहनों, यही बातों को भाई ब्रैनम भी यहाँ पर बोलता है। भाई ब्रैनम नबी होने से भी, भाई ब्रैनम तो प्रॉफिट होने से उसका अनुभव को हम इधर देख सकते हैं, वो भी वैसे ही उसको फसल हो गया, बोलेगा तो फसलिंग हो गया उसको, सोचा ऐसा कैसा होता है। बाइबल में इसके लिए जवाब होएगा, अरे मैं देखता देख रहा है और बोलता है ये आदमी को दो पत्नी है, दो औरत है, और एक औरत के साथ ये घूम रहा है, मगर हाउस ऑफ गॉड के अंदर आके वो अन्य भाषा बात करता है और भविष्यवाणी बात करता है, सब कुछ करता है, ये ऐसे कैसा होता है। और एक है जेन्युइन क्रिश्चियन है, बोलते हैं भाई ब्रैनम जेन्युइन क्रिश्चियन, यस। सावधान से सुनिए, ये बहुत केयरफुल में हम लोग सुनना चाहिए, बहुत सीरियस मैटर है। मेरे प्यार प्यार बहनों, एक बात बोलते हैं, बहुत सीरियस है, बाइबल के अंदर सबके लिए जवाब है, आमीन, सबके लिए बाइबल के अंदर जवाब है। और भाई ब्रैनम देखा इनको, और हम भी आज वही कामों को करता है। बहुत लोग, बहुत यूट्यूब आता है, बहुत लोगों का यूट्यूब हम देखता है, हम किसी को भी न्याय नहीं करता है, और न्याय करेंगे तो मेरे को खुद को न्याय होने दी, मगर सच्चाई को सच्चाई से बता देगा। मेरे प्यारे प्यारे बहनों, सच्चाई को हम लोग कभी भी सच्चाई से बता देगा। मेरे प्यारे प्यारे बहनों, बहुत लोगों का जीवन को आप देखिए, मेजर सिन, मेजर पाप, कोई भी नई कारण होने से अपना पत्नी को छोड़ दिया, और कोई पसंद लगता है, कोई ब्यूटीफुल दिखता है उसको शादी किया, कारण ही नहीं है, कारण ही नहीं है। जो कारण से आप छोड़ना चाहे वो नहीं, वो कुछ भी नहीं है। मगर मेरे प्यारे प्यारे बहन, ऐसी लोग बाइबल को उठाता है, भाई ब्रैनम का मैसेज को उठाता है, इतना नहीं, भाई रॉबर्ट का भी मैसेज को उठाते हुए हिम्मत से प्रचार करता है। अगर आप बोलेगा ये कौन सा है, ये क्या डेविल है क्या, मैं बोलता है डेविल नहीं है वो, सातान नहीं है, हम भी बहुत बार सोचा, ये असली जेन्युइन होली गोस्ट के नीचे आया हो, जेन्युइन पवित्र आत्मा है वो। और जो सच्चा, जो सेवक, जो सेवकाई करते हो उसका ऊपर भी और इनके ऊपर भी, दोनों को ऊपर भी सही पवित्र आत्मा है, मगर दोनों के जीवन में फर्क है, दोनों के जीवन में फर्क है। एक जो है सच्चा जीवन को बिताता है, सच्चा लाइफ में वो लोग आगे बढ़ता है, और दूसरा जो है दो दो पत्नी को रखते हुए
जिंदा पत्नी रहते हुए और एक पत्नी उनको शादी करते हुए और उनका बच्चे लोग को रखते हुए वो जीवन बिताता है, मगर परमेश्वर का घर के अंदर जाके हिम्मत से प्रचार करता है, हिम्मत से भाई लैम्बर्ट के बारे में बात करता है। मैं बोलता है ये बहुत लोगों को होता है, ये ऐसा कैसा, देखिए लोगों का अंक अंधा नहीं है, हाँ लोगों का अंक में अंधा नहीं, अंधापन नहीं, वो लोग जानता है आप कौन है, आप क्या कर रहा है। इवन मेरे को भी वॉचिंग करते रहता है, इतना सारा यूट्यूब में पब्लिश करते, मेरे ऊपर भी वो लोग का नजर है, सबका ऊपर भी वो लोग का नजर है। आप लोगों को एक जन को दो जन को आप फंसा सकता है, सबको फंसा नहीं सकता है, हाँ ऐसा कुछ बात है। यू कैन फूल द पीपल वन टाइम बट नॉट ऑल द टाइम करके, एक बार आप उसको फूलिंग कर सकते हैं मगर हमेशा नहीं। मगर इधर देखिए मैं क्यों इन बातों को लेकर आता है, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है, भाई ब्रैनम का अनुभव मेरे को बहुत टच हो गया और ये सच्चा है, क्योंकि मेरे को वे नाम नहीं बोलते, मेरे को एक जन मेरे को बोला ऐसा एक काम हो रहा है अभी ऐसा, वो लोग गंदगी जीवन बिताते हैं मगर चर्च में जाके प्रचार भी करता है, भाई लैम्बर्ट का मैसेज को प्रचार करता है, भाई ब्रैनम का मैसेज को प्रचार करता है, ऐसा ऐसा होता है करके बोले वो। यस सर, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। अभी मेरा प्यारा भाई बहनों, अगर ऐसा है उसके लिए जवाब भी है, आप आश्चर्य मत हो जाना, वैसे डोंट बी सरप्राइज, आप आश्चर्य मत हो जाओ ऐसे कैसा, ये लोगों का आखिरी का जो डेस्टिनी, आखिरी का जो जगह को आप देखो, अभी का नहीं है आखिरी, वो लोग किधर जाता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बोलना चाहता है ये ऐसी चीज, ये हम ये एक नया नहीं है, ये दो तरीका का लोग है, एक जो है पाखंडी सेवक, अगर पाखंडी बोलेगा तो वो अपना जीवन को बर्बाद करते हुए पाखंडी में रहता है, और भी उसको चाहिए प्रभु का वचन को प्रचार करना, वो खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि एक बात है लोगों को हमारा अपना जो जीवन को छुपाने के लिए, अपना जीवन को छुपाने के लिए, अपना जीवन को थोड़ा छुपाते हुए लोगों को दिखावट करने के लिए ये सब काम वो लोग करता है। मगर और एक है, भाई ब्रैनम बोलता है वो जेन्युइन क्रिश्चियन है, जेन्युइन सेवक के बोलते हैं, ही इज अ रियल सर्वेंट ऑफ गॉड। वो क्या देखता है, वो कुछ भी हो अपने जीवन में पश्चाताप करते हुए परमेश्वर को अपना आप को देते हुए लोगों का हृदय को देखते हुए लोगों का जिम्मेदारी को पाते हुए वो आगे बढ़ता है। इधर दोनों भी है, मगर दोनों का ऊपर भी वही जेन्युइन होली गोस्ट काम करता है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, जेन्युइन होली गोस्ट, हाँ सेम होली स्पिरिट। इसके लिए इब्रानी का किताब में है, अभी मैं पढ़ा हुआ किताब है, वो यस वो लोग ऐसा पूरा वचन में हम देख सकते हैं, ये लोग मामूली लोग नहीं, ये लोग एक बार भाई ब्रैनम का मैसेज को सुना, भाई लैम्बर्ट का मैसेज को सुना, आनंद उठाया, पवित्रात्मा का अनुभव को किया, वो यस और अच्छा तरीके से रहता था, मगर ये लोग का जीवन में ऐसा बात हो गया, ये लोग पाप में गिरा, ये लोग हो सकता है ये लोग सॉन्ग लीडिंग भी करता था मीटिंग में, अच्छा गायक लोग था, अच्छा प्रचारक लोग था, मुंबई वैस मुंबई में जाके प्रचार कर रहा था वैस, और जगदलपुर से मुंबई तक जाके प्रचार किया हुआ सेवक है वैस, अच्छा जीवन को बिता रहा था वैस, मगर मेरे फिर बैठ गए नो, तभी ये लोग को परमेश्वर ने अच्छा तरीके से यूज किया, उसको माइंड में रखते हुए बाद में क्या हो गया मेरे प्यारे भाई बहनों, बाद में अपना कलीसिया का जो पास्टर है उसका पत्नी को लेके हुए और उसका साथ रहता है, उसका तीन बेटलों के साथ वो अभी रहता है वो यस, मगर अभी भी वो फेले के जैसा प्रचार करना, ये करना, भाई लैम्बर्ट का मैसेज जबरदस्त मैसेज है, इसमें क्या होते हैं लोगों को क्या होते हैं मालूम है, अरे ये कैसा भाई लैम्बर्ट का मैसेज को प्रचार करता है, अरे ये कैसा भाई ब्रैनम का मैसेज को प्रचार करता है, अरे इनका जीवन देखो। अभी मेरे प्यारे बहनों, एक विश्वासी बोलने से भी ज्यादा बेकार चीज है
अविश्वासी पड़ोसी लोग इसको देखता है, पड़ोसी में सोसाइटी में ये बहुत गंदा और बदवा देने वाला बात है। और वो लोग क्या बोलता है, वो लोग एक समय में देखा उस घर में उसका पति रहता था, वो पास्टर का काम करता था और सब कुछ करता था, वो सच्चा वो एक गरीब पास्टर था और अलग अलग जगह पर घूम रहा था और बहुत मेहनत करते हुए रहता था वो बेचारा। मगर उसी घर में उसी कलीसिया का एक असिस्टेंट पास्टर बोलने वाला उसको वो स्थान दिया और वो क्या किया, इनका पति के साथ संबंध रखते हुए इनको लेकर, अरे कुछ भी होने दो, ये व्यक्तिगत जीवन है, बाइबल में लिखा है सारी पाप के लिए क्षमा है करके। सच बात है, मनुष्य जो अपना शरीर में करने वाला हर एक पाप के लिए क्षमा है। हम क्या वो लोग के लिए ये न्याय नहीं करता है न्याय करने के समय, मगर न्याय किधर होता है मैं आपको बताता है, न्याय किधर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय तब होता है अगर उसका जगह को पहचानते हुए, भाई ब्रैनम का मैसेज सुनने दो, लामट का मैसेज सुनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है अच्छा है, मगर उसको छोड़ते हुए परमेश्वर बुलाने वाला जो ऑफिस है कार्यालय है उसके अंदर घुसते हुए मेरे प्यारे भाई बहनों, और प्रभु का जो जगह है, जो दान है, जो गिफ्ट है, वो परमेश्वर ने दिया हुआ गिफ्ट है चर्च के लिए, और उनको लेते हुए जो काम करता है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अब काम करता है, जो बोलता है, जो अन्य भाषा भी बात करता है, सब कुछ करते हैं वो लोग, वो भूत और प्रेत का आत्मा नहीं है, सच्चा पवित्र आत्मा के द्वारा करता है वो लोग। हाँ, क्योंकि बाइबल ऐसा बोलता है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, मेरा प्यारा प्यार बहन, सारा लोगों को नहीं, कम से कम सारा हिंदुस्तान में सबको मालूम है, मलाकी 4:5 का मैसेज में रहने वाले को सबको मालूम है ये घटना, वैसे सबको मालूम है उसका जिंदा पत्नी है करके, सबको मालूम है पहले का पत्नी को दो बच्चे लोग हैं, एक लड़का एक लड़की, सबको मालूम है ये जो पास्टर से चीन के शादी करके अपना पास रखा हुआ इलीगल मैरिज करते हुए रखा हुआ वो सबको मालूम है, 3 बेटा लोग भी है उसको। इतना होते हुए भी लोगों का आंखों को पट्टी बांध के, मैं अभी एक न्यूज चैनल में मैं देखा, एक इंपॉर्टेंट बात है न्यूज चैनल में मैं सुना, क्योंकि आप लोग कोर्ट में, आप अगर कोई भी कोर्ट में गया, उधर एक पट्टी बांधा हुआ एक मनुष्य, एक तराजू है और पट्टी बांधा, और अभी बोलता है जो जस्टिस लोग नहीं कोई राजनीति लोग, उसका पट्टी को निकालो, तुम्हारा आंखों को नहीं दिखता है उधर क्या होता है, इधर क्या होता है, उधर क्या होता है, खाली तेरे को एक जगह दिख रहा है, नाम नहीं बोलता हूँ, वो पट्टी को निकाल देना, क्यों पट्टी को बांधे, वो पट्टी का जमाना गया, अभी खोल के रखो, देखो कैसा बोलता है, ऐसा इधर भी है, कोई किसी का पट्टी बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है ये बात, सब लोग, और ऐसे लोगों से हमारा लोग भी थोड़ा मिलना जुलना, बहुत ध्यान से सुनो, मैं बहुत बार बोला ये लोग के बारे में, बहुत तक वीडियो को मैं पब्लिश भी किया, मगर ये इंपॉर्टेंट, ये अलग ढंग से मैं लेके जाने वाला है। अभी इधर सुनिए मेरे बारे, क्योंकि मेरे को ऐसी तरीके का मैसेज को लेके आना, लोगों का आंखों को खोलना, कल मैं भी खट्टे में गिरेगा तो वो लोग मेरे को भी देखने का है, मैं भी इससे बाहर नहीं है। हाउ मेनी से मैन, माई गॉड, ये बहुत भयंकर चीज है वो, यस। मगर हम लोग देखते हैं भाई ब्रैनम का जो अनुभव, इतना बड़ा नबी होते हुए, एक्चुअली ये मैसेज को मैंने उठाया, मेरे को कुछ लोग इंग्लिश में प्रचार किया, वैसे बहुत फायदा हो रहा है मेरे प्यारे भाई, हिंदी जानकारी लोगों को भी मालूम होना, मैं इसलिए कोई किसी को टारगेट करके नहीं है, मगर एक उदाहरण के द्वारा इसको लेके जाना चाहता हूँ। वैसे वो लोग हमको बोलता है, हमारा जीवन को बोलता है, वो हमको उंगली दिखाता है, मेरे को मालूम है कौन सी बातों से मेरे को ये लोग उंगली दिखाया, अभी दुनिया का ये लोग का साथी रहने वाला मेरे को फोन में बोलता है ऐसी ऐसी बातें, अभी वो प्रचार करने के लिए भी शुरू किया,
एक ड्राइवर ड्राइवर का काम करता है वो, और जगदलपुर में ड्राइविंग काम करता है, ड्राइविंग भी करता है, और अपना कलिशा का कुछ भी रीति नीति कुछ भी नहीं है, मगर अपना कलिशा को उन्होंने भेज दिया आईसी लोगों को, आईसी व्यभिचारी आदमी को भेज दिया। वैसे एक अच्छा आदमी को लेके आके उधर रखेगा तो कोई बात होता नहीं था, मगर एक व्यभिचारी दो औरत के साथ रहने वाले को भेज दिया वो पाखंडी, दोनों भी पाखंडी है, दोनों भी पाखंडी लोग, दोनों भी मिलकर भेज दिया कलिशा को। और वहां पर बैठने वाला विश्वासी लोगों की हालत क्या है, अगर आप आप आपको ये YouTube आएगा तो दे दे हो, शेयर करो, खाली आप खाली सुन के चुप मत रहो, दे दे हो, होने दो, जाने दो, हमको एक बात चाहिए। रईस भी दने मतलब, और थोड़ा समय के पहले ये लोग भाई लैम्बर्ट का YouTube भी बना के डाल दिया। देखिए मेरे को भी कभी कभी मेरे को इसका अनुभव हो गया। देखिए मैं सच बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, कितना भी लंबा जाने दो, मैं भी सोचा पहला ये लैम्बर्ट का मैसेज मेरे को आया, सिस्टर विक्टोरिया ने मेरे को भेजी, और मेरा लगातार मुलाकात था, और लोग नोटिस किया, मेरे दुश्मन लोग पकड़ा उसको, पकड़ा दुश्मन लोग, और बोले उसका जीवन के बारे में पूरा खुलासा कर दे, दो दो पति के साथ रहती है, पहला पति को छोड़ दिया और लिपस्टिक इयर रिंग सब डाल दिए, और बोलती है और टाइट करती है, मेरा प्यार प्यार बहनों, हाँ टाइट करती थी, और मेरे को साक्ष भी बोली, मेरे को स्टप में मेरा पिताजी आया जैसा हो गया और प्रभु आए जैसा हो गया, ये सब हो सकता है, मैं यकीन करता था। और तभी उसका माँ भी थी, उसका और उसका बीच में लड़ाई भी हो गया, हाँ ये टाइपिंग के बारे में, और ये बहुत बड़ा औरत का जैसा प्रधानम के कोटेशन में डालने का बहुत लंबा मैसेज बना के भेजती थी। किधर गया अभी, किधर गया अभी, मेरा प्रश्न है वो करती है नहीं करती, वो नहीं करती है, उसे नहीं होता है, उसको प्रभु ने बीमारी डाल के उसको निकालेगा, ये दस से तलाउट है, ऐसी अदर भी परमेश्वर के कामों को करना नहीं चाहिए। और यूट्यूब को खोला, सॉरी वेबसाइट को खोली, चलो क्या हो गया, पूरा पाखंडी लोग, पूरा व्यभिचारी का झुंड, दो दो पत्नी, तीन तीन पत्नी, चार चार पत्नी को पकड़ते हुए, चार चार पति लोगों को रखते हुए, होलसेल व्यभिचारी लोग आके उधर जमा हो गया, और सबको बोलता है देखो इधर कोटेशन, देखो इधर कोटेशन, और हमारे पास कुछ लोग बोलता है ये ऐसा कैसा हो सकता है, इसलिए वो लोग इसको देखो, इसलिए मैं जानबूझ के ये मैसेज को हिंदी में प्रचार करता है, और आप लोग जो सुनते हो शेयर करो, ऐसा लोगों को जो सुनता है ऐसे लोगों के बातों को शेयर करो, जरा पता लगा नहीं तो वो लोग को भाई लैम्बर्ट का मैसेज क्या है, भाई ब्रैनम का मैसेज क्या है, इतना एक शानदार मैसेज, इतना जो शानदार मैसेज को ये लोग उसके साथ खेलता है, मेरा प्यार मेरे हमको बचाने का है, आहा हमको बचाने का, लोगों को न्याय देने का, न्याय करने का है, दिस इज अ न्याय करने वाला चीज है वो। मेरे प्यार मेरे बहनों प्रश्न हो क्या होता है, ऐसा कैसा ये लोग दो दो घंटा तीन तीन घंटा प्रचार करता है हाउस ऑफ गॉड के अंदर, हो सकता है, वही जेन्युइन होली गोस्ट है, आश्चर्य मत होना, आपका जीवन गलत होने से भी पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा, ये बात कभी भी भूलो मत, उसका ऊपर आप अपने जीवन को आगे मत लेके जाना, खबरदार एक दिन आपका जीवन होली स्पिरिट है, आपका जीवन आपको नरक तक लेकर जाएगा, ये दस से तलाउट है, हा हे मत सोचो पवित्र आत्मा आ गया मैं स्वर्ग में जाता, मैं एक बात बोलता है पवित्र आत्मा होने से भी आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, कब तक आपके जीवन में वचन के अनुसार के जीवन नहीं है, वचन आपके जीवन में काम नहीं करता है, वचन आपके जीवन में नहीं है, आपके सोल के अंदर वचन नहीं है, दुनिया का लालची व्यभिचार भरा है, व्यभिचार लस्ट, औरत को देखना, औरत को ऊपर खुशी करना, ये व्यभिचार भरा है, और मैंने बोलना चाहता है दुनिया में आज आंख आंख अंधा भी औरत को देखता है, मालूम है वो ऐसा कैसा अंधा कभी नंग ये नंगा औरत लोग दिखता है अभी, ऐसे समय में हम लोग जी रहे हैं, दो दो पत्नी होएगा तो क्या हुआ, और भी तीसरे के ऊपर आंख डालता है, तीसरे के साथ भी जाते हैं ऐसे लोग नालायक लोग, मेरे प्यारे मेरे बहने हकीकत के बात में बोलना चाहता हूं, इतना लस्ट भरा है, हम ऐसे लोगों के बीच में हम लोग रहता है, मैं क्या भार नहीं है,
ये क्या स्वर्ग में नहीं रहते, ऐसा लोगों के बीच में रहता है। मैं भी इधर उधर जाता है, हमारा अंत भी किसके सबके ऊपर जाता है, मगर परमेश्वर हमको अपना नियंत्रण में लेके हमको चलाता है। वही एक हमारे जीवन का एक खुशी का बात है। ओ यस, नहीं तो हम भी गिरता था। मगर इधर आप लोग समझ लीजिए, ओ यस, हाँ पवित्र आत्मा आ गए तो आप क्या सोचते हो, होली गोष्ठ आया और सब लोग नहीं देखेंगे मेरे को, क्या दो पत्नी होएगी तो क्या हुआ, मैं अभी प्रचार करते भाई लैम्बर्ट का मैसेज को ना लाइक स्वर्ग का जीवन बिताते हो। स्वर्ग किधर है, उधर तू भी है, तू स्वर्ग का जैसा तू नालायक और बेशरम आदमी है। भाई लैम्बर्ट का मैसेज को लेते हुए प्रचार करना, कम से कम सुनेगा तो भी कोई बात नहीं, हम नहीं बोलते हैं सुनो, वो आपका और हमारे जीवन को सुधारने दो, कम से कम ब्रैनम का मैसेज सुनो सुधारने, मगर इनको उठाते हो प्रचार करते हो ये गलत बात है, क्योंकि भाई ब्रैनम बोला ही इज अ हिपोक्राइट सर्वेंट ऑफ गॉड, बोला हिपोक्राइट सर्वेंट ऑफ गॉड, बट अदर वन इज अ जेन्युइन क्रिश्चियन, वैस प्रभु के लिए वचन के लिए जीने वाला। मेरे प्यारे प्यारे प्यारे, ये लोग क्या सोचते बाल में, ये सब करते हुए ये लोग के मुंह से आते वी आर गोइंग इन द रैप्चर, वी आर रिसीविंग द टोकन, ये सब वो लोग बोलता है। अरे भाई एक बात बोलते हैं, सुअर कभी अपना गंदगी कीचड़ को छोड़ के जाता है, बताओ मेरे को, सुअर कभी उसका गंदगी और कीचड़ को छोड़ के जाता है, बोलो, सुअर कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसका जन्म से आया हुआ स्वभाव है। तेरा जन्म से आया हुआ स्वभाव तुम्हारा जीवन से हट नहीं सकता है, एक ही काम है, बॉर्न अगेन, बॉर्न अगेन बाय द वर्ड एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, वचन और आत्मा के द्वारा आप नया जन्म को पाना चाहिए, वो आपके जीवन को नया जन्म पाएगा तो आप ऐसा काम नहीं करते हैं। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, ऐसी लोग मेरा फैर बैठ बहन हो, होली स्पिरिट, अब इधर सुनो, भाई ब्रैनम बोला यू मे रिसीव गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ द होली स्पिरिट बट येट यू शैल गो टू द हेल, बोला भाई ब्रैनम, बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट आप पा सकता है। वैसे भाई लैम्बर्ट बोला नहीं क्या, भाई लैम्बर्ट बोला, वैसे भाई लैम्बर्ट क्या बोला, दे प्रीच द आउटपोरिंग, दे प्रीच द टोकन बट दे आर ऑफ द बर्थ, बोला हाउ मेनी सेव है ना, वो उन्होंने बोला दे प्रीच द टोकन, दे प्रीच द टोकन बट दे आर ऑफ द बर्थ, वो लोग टोकन के बारे में प्रचार करता है मगर जन्म को नहीं पाया, बोला कैन यू सेव मैन, इसका मतलब क्या है, वो लोग वचन को नहीं स्वीकार किया, वो लोग वचन से जन्म नहीं पाया, वो लोग बेकार लोग हैं, वो लोग कुत्ते का औलाद है और स्वर्ग का औलाद लोग हैं और स्वर्ग से जीने वाला है, और इस मैसेज को बदनाम करने के लिए आया हुआ लोग है। और इसके पीछे और एक मैसेज भी लाता हूं, बदुआ देने वाला एक मक्खी, और मैं अलग ढंग से इसको प्रचार करता हूं, वैसे हो सकता है बुधवार को, ये लगातार हम प्रचार करना है। कैन यू से मैन, माय गॉड, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। ये लोग सोचते हैं टोकन आता है और रैप्चर के बारे में बोलता है, हाँ भाई लैम्बर्ट का मैसेज का कोटेशन देता है और वापस पूछता है कि आपके पास है क्या ये मैसेज, हमारे पास मिल गया, हमको भेजा कोई ना कोई, कौन मेरा प्यारा भाई बहन, ये एक झुंड है वैस, और मैं बोलता है गिलारी, क्या बोलते वल्चर, ये वल्चर का झुंड है, जिधर इसके बारे में मैं बहुत समय के पहले प्रचार किया, जो गीदड़ बोलते हैं कुछ हिंदी में, ऑल राइट मैं वल्चर ही बोलेगा, जो ईगल खाता है, जो उकाब खाता है, वो उसके पास ये लोग जाके, ये लोग को कुछ भी चलता है, सड़ा हुआ जीवन को खाता है, सड़ा हुआ जीवन में ये लोग जी रहा है, सड़ा हुआ चीजों के ऊपर ये लोग बैठता है और ये भी खाता है, वो लोग ऐसा तरीके का लोग है, बेशरम लोग है। बाइबल ने वो लोग के बारे में बताया, ये गीदड़ लोग वल्चर्स लोग, ये वल्चर है, ये उकाब नहीं है, वल्चर है। क्या न्यूज से मैना, ऐसी तरीके का जीवन को बिताते हैं मेरे प्यारे प्यारे बहनों, कम से कम भाई लैम्बर्ट का मैसेज को अगर चर्च नहीं चाहिए, चलो ठीक है घर में बैठ के सुनो, वो अच्छा है मैसेज को सुनना, मैसेज को मैं ऐसी लोगों के अगेंस्ट में नहीं हूँ, चलो वो ठीक है, मगर ये बहुत डेंजरस है,
भाई ब्रैनम का मैसेज उठाते हुए, अरे दो पत्नी को लगते हुए शर्म लगना चाहिए, सबको मालूम है मेरा फर्ज है। और दूसरे को बोलते हो, दूसरे के बारे में उंगली उठाते हो, और दूसरे यही आदमी, यही जगदलपुर का ये आदमी, हाँ उसको कैप्टन कैप्टन करके पुकारता था, उसका पहले का उसका पुराना पास्टर कैप्टन बोलता था, हाँ कैप्टन, ये कैप्टन नहीं है, ये कैप्टन इसके लिए कैप्टन है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, सावधान से सुनो इनको, ये सब गलत बातें। अभी ऐसी लोगों को देख के वो लोग का नीचे छोड़ दो, वो लोग का श्वास को भी मत लेना, गलत लोग है ये लोग, भाई लामट का नहीं, ये लोग कौन सा भी बाइबल और भाई लामट का भाई ब्रैनम के मैसेज को प्रचार करने का योग्यता नहीं है ये लोग के पास। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। अभी मैं भाई ब्रैनम का ये अनुभव को पढ़ना चाहता हूं, इधर सुनिए। भाई ब्रैनम, और इसको इसको मैं नाम भी रखा हिपोक्रेट सर्वेंट ऑफ गॉड। ऑल राइट, आई सेड हैव बीन बैप्टाइज्ड, ऑल राइट, आई सेड आई हैवंट रिसीव्ड व्हाट यू ऑल गॉट। मैंने ऐसा चीजों को नहीं लिया। आई सेड यू गॉट समथिंग आई रियली वांट, एंड ही सेड वेल दैट इज फाइन, ऑल राइट, मैं दे रिसीव। हाँ, व्हेन आई फाइनली गॉट दिस स्पिरिट, वो आदमी का आत्मा को वो पकड़ा भाई ब्रैनम, दैट वॉज द अदर मैन, और एक आदमी है मनुष्य। इफ आई एवर टॉक टू लो डाउन हिपोक्रेट, अगर मैं जिसके पास बात किया, ये जो है बहुत बेकार एक पाखंडी है, देर वॉज वन ऑफ देम, दोनों में एक है। ही वॉज लिविंग, हिज वाइफ वॉज ए ब्लैक हेडेड वुमन, उसका पत्नी जो है काली है, उसका साथ जी रहा है। ही वॉज लिविंग विद ब्लॉन्ड एंड हैड टू चिल्ड्रन बाई हर, और उनके साथ होते हुए दो बच्चे लोग हैं। वो ड्रिंक कर्स रन टू टैवर्स, दारू पीता है, शाप देता है, और उधर इधर भागता है वो, एंड एवरीथिंग एल्स येट देर एंड स्पीकिंग, उतना होते हुए भी वो अन्य भाषा और भविष्यवाणी बोलता था। ब्रदर ब्रैनम देखा, ब्रदर ब्रैनम को उनका जीवन बराबर मालूम है, ब्रदर ब्रैनम को उनका जीवन बराबर मालूम है। इतना होते हुए भी वो अन्य भाषा में बात करता था और भविष्यवाणी भी बोलता था, ऑल राइट। और ब्रैनम बोलते आगे, मैं कोर्ट्स को आगे लेकर जा, देन आई सेड लॉर्ड फॉरगिव मी आई वेंट होम, मैंने बोला प्रभु तेरे को क्षमा दे, इनको कुछ ट्रबल हो गया, और घर में गया। आई सेड आई विल जस्ट गेट दे कांट अंडरस्टैंड इट, मेरे को समझने को नहीं होते, बोलेगा तो भाई ब्रैनम को भी फसल हो गई, ऐसा कैसा है, अन्य भाषा भी बात करता है और उसका अनुवाद भी बोलता है और भविष्यवाणी भी बोलता है। हाँ, इट सीम्ड लाइक द ब्लेस्ड होली स्पिरिट फॉलिंग, उसका ऐसा बोला, ये जो है जो सचमुच में ब्लेस्ड पवित्र आत्मा गिर गया, एंड ऑन दैट हिपोक्रेट, वो पाखंडी को ऊपर देखो, सुनो इधर, भाई ब्रैनम बोलते हैं ये पाखंडी का ऊपर सही होली स्पिरिट काम कर रहे हैं। कैन यू से मैन, ये पाखंडी का ऊपर सही पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आश्चर्य मत हो जाओ, ये गलत नहीं है, सही पवित्र आत्मा काम कर रहा है पाखंडी का ऊपर। हाँ, पाखंडी होएगा तो भी कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा सही पवित्र आत्मा है, मगर आदमी पाखंडी है, दो औरत को रखते हुए आज रहने वाला है। आई सेड, मैंने बोला खांट भी ये हो नहीं सकता है। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड, इतना लंबा समय पर, मैं हिंदी में बोलते हैं, मैं एक्चुअली आप पढ़ के इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में डायरेक्ट हिंदी में आपको अनुवाद बोलता है भाई ब्रैनम का, या अभी कोर्स को पढ़ता है। मैंने इनके बारे में बहुत अभ्यास किया, वो यस, और रोया, क्योंकि मेरे को चाहिए ये क्या है, ये जो है जेन्युइन क्रिश्चियन है, सच्चा मसीह का भाई है, एंड अदर वन द रियल हिपोक्रेट, और एक जो है सच्चा पाखंडी है। हाँ, और मैंने सोचा, हाँ, और मैंने सोचा गॉड मेरे को कुछ ना कुछ गलत इधर दे हो रहा है मेरे को, क्योंकि मैं फंडामेंटलिस्ट नहीं है, बोलेगा तो फंडामेंटलिस्ट, बोलेगा तो मैं लीगलिस्टिक फंडामेंटलिस्ट में ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसा कुछ है। हाँ,
और मेरे को इनको बाइबल में देखने को चाहिए। और हाँ, मेरे पास एवरीथिंग, सब कुछ इधर ऑपरेट होता है। ये बाइबल के अंदर से होना चाहिए, बाइबल के अंदर इसके लिए होना चाहिए, कहीं ना कहीं जगह पर ये सब बाइबल से होना चाहिए, ये प्रूफ बाइबल से होना चाहिए, एक जगह पर नहीं, बट ये बाइबल से हमको मालूम होना, वह तब मैंने इसको विश्वास करूंगा, क्योंकि ये बाइबल का साथ, स्क्रिप्चर का साथ ये होना चाहिए, अतः नहीं है तो मैं इनको विश्वास नहीं करूंगा, बाइबल ना बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। एंड देन बिकॉज पॉलुस ने बोला, एक दूत भी स्वर्ग से उतर के आके हम लोग प्रचार किए हुआ सुसमाचार से अलग करेगा, वो शपित होने दो करके बोला। मैं इसलिए मैं बाइबल को विश्वास करता है, हाँ, और ये सब बाइबल में होना चाहिए। 2 साल के बाद देखो भाई ब्रैनम इनको छोड़ नहीं, 2 साल के बाद मेरा पत्नी को मैंने खोया, और मैंने ग्रीन मिल में जाके, उधर एक जूना जगह है, वहां पर मैं गुफा का अंदर जाके 3 दिन तक प्रार्थना के लिए गया। हाँ, मैंने वहां पर आगे सॉरी मैंने बाहर और अंदर जाते हुए उधर रहता था, और बाइबल मेरा पास था, और वहां पर था मैं, और एक ओल्ड ट्री, वो एक बहुत जूना एक जाड़े, वहां से हवा आता था, ऑलराइट, और मैंने वहां पर सो रहा था। वैसे रात के समय पर मैं आकाश को देखा और मैंने हाथों को ऊपर उठाया, और मैंने वहां पर सो रहा था और प्रार्थना भी कर रहा था। वैसे बहुत दिन तक मैं वहां पर था, मैं खाना भी नहीं खाता था, पानी भी नहीं पीता था। देखो भाई ब्रैनम बहुत डेस्परेट में इसके बारे में मालूम उनके लिए, नबी होने के नाते भाई ब्रैनम बहुत व्याकुलता में गिर गया। प्राइज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। ऑलराइट। और हाँ, पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, प्रार्थना करता था, और कुछ शुद्ध हवा को ले रहा था, और ठंडा होता था। बाद में बाहर आया और मैं बाइबल को वहाँ पर रखा, और मैंने इब्रानी किताब में 6वां अध्याय को खोला, इब्रानी किताब का 6वां अध्याय को मैंने खोला, और मैंने पढ़ने को शुरू किया। वहाँ पर जैसा मैंने अभी पढ़ा वैसा, ले एसाइड ऑल द थिंग्स, लेट अस गो ऑन टू परफेक्शन, जो सिद्धता में हम लोग आगे जाएंगे। ऑलराइट। और बाद में बोला, बट थॉर्न्स एंड थसल्स, खांटा और जंगली जाड़ और खांटा, देखो ये दोनों भी रिजेक्शन के लिए, इनको दोनों को भी परमेश्वर रिजेक्ट करता है, दोनों जाड़ को भी, वैसे जंगली और खांटा हुआ चाट। हमें बोलता है ये लोग अनकोट, ये लोग इसी का समान है, ये खांटा और जंगली जाड़ का समान है ये लोग। और बाइबल बोलता है उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्ट माल है। आपको मालूम है एक कंपनी में जाएगा तो रिजेक्ट माल, उसको उठा के फेंकता है वो लोग। ऐसा प्रभु का जगह पर भी ऐसी लोगों को प्रभु ने उठा के फेंक दिया। तू कितना भी शादी कर लेना और किधर भी जाके प्रचार कर लेना, और कौन से भी बाइबल और बाइलामट का बाइब्रैनम का में से प्रचार कर ले, कोई फर्क नहीं है प्रभु को, आपको उठा के फेंका वो, आप उठा के फेंका हुआ माल है, उठा के फेंका हुआ माल है, कंपनी से उठा के रिजेक्टेड माल है। आपको मालूम है एक बहुत बड़ा मोरल लगता है रिजेक्टेड गुड्स करके, कैन यू से मैन रिजेक्टेड है, प्रभु ने उठा के फेंक दिया। ऑलराइट। और बाइबल बोलता है ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। एक बार आप लोग वचन को सुना और वचन को पाया, पवित्र आत्मा का अनुभव किया, और ऐसे लोग प्रभु को ठुकराया, ये लोग कभी भी वापस नहीं आएगा। मगर थॉर्न्स एंड द थसल्स, थॉर्न्स बोलेगा तो खांटा खांटा, थसल्स बोलेगा तो खांटे के जैसे ही जो मिलता है, थसल्स वैसे खांटे के जैसे ही, वैसे जंगली झाड़ भी बोल सकता है, ये दोनों को भी परमेश्वर ने रिजेक्ट इनकार कर दिया। उस एंड, उसका अंत जो है
क्योंकि जो पानी जो रेन जो बारिश आता है दोनों का ऊपर भी अपॉन अर्थ ड्रेसिट जो बारिश आता है इसको भी आता है खांडा का ऊपर भी आता है क्योंकि उसको उगने के लिए वैसे विच नाई अंट रिजेक्शन थॉर्न्स एंड थिसल्स हूज एंड इज टू बी बर्न उसका अंत जो है जला के रखेगी किधर जलाएगी लेक ऑफ फायर ये स्वर्ग तक छोड़ दो ये आगे तक भी नहीं पहुंची लेक ऑफ फायर में डाल देगा हाँ कोई आश्चर्य होने का बात नहीं है ये लोग का जो अंत है ये लोग जो आखिरी में जो है ये लोग लेक ऑफ फायर का कैंडिडेट है ये लोग रैप्चर का कैंडिडेट नहीं है ना टोकन का कैंडिडेट नहीं है दे विल नेवर रिसीव द टोकन ये 100% दस से द लॉर्ड दे विल गो इन द लेक ऑफ फायर क्योंकि बाइबल ऐसे कहते क्या बाइबल झूठ बोलेगा क्या अगर बाइबल ऐसी लोगों को परमिशन देगा मेरा प्यारा बहन बहनों मेरे बारे में भी बाइबल में लिखा है सबके बारे में बाइबल में लिखा है मालूम है मेरे बारे में भी भाई ब्रैनम का मैसेज भी लिखा है सबके बारे में लिखा है और तेरे बारे में भी लिखा है ऐसी अच्छा औरत को छोड़ा और दूसरा आप पास्टर का पत्नी को लेके जाके रखा कितना गंदा बात है तुम खाने लोगे ऐसे कभी भी मत करना कैन यू से आमेन प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड वैसे मेरा प्यारा भाई बहन बहुत जान से सुनिए Whose end is to be burned, वो लोग अंत जो है जला के जाएगा जलाएगा प्रभु ने इसी जाड़ को अंगार में डाल के जलाएगा आप आज देखते हो अरे आपके अंदर एक प्रश्न होएगा कैसे है भाई ऐसा प्रचार कर दिया सबका वो अंदर क्योंकि आप लोगों के ये सब अनुभव नहीं है वी आर डीप गॉन इन टू द मैसेज हम लोग मैसेज में बहुत गहरा में गया हम बोल सकते हैं हम इसको जजमेंट इसको वचन से हम लोग न्याय करेंगे हम नहीं कर न्याय कर सकते हैं वचन न्याय कर सकते हैं वचन बोलता है दिस काइंड्स ऑफ पर्संस आर मेंट फॉर द लेक ऑफ फायर कोई भी शक नहीं भाई ब्रैनम को बाइबल में प्रभु ने दिखाया हिब्रानी किताब में भाई ब्रैनम एक बार फसल हो गया और बोला अगर ऐसी बातें बाइबल इसको जवाब देने दो बाइबल से उन्होंने बाइबल ही भाई ब्रैनम को जवाब दे दिया और आज हमको भी बाइबल जवाब दे दिया क्या जवाब है ये लोग खंटे और जंगली जाट लोग हैं ये लोग सही पवित्र आत्मा के नीचे खड़ता है ठीक है मगर ये लोग परमेश्वर ने रिजेक्ट किया हुआ माल है माल रिजेक्टेड माल बोलते हैं हिंदी में माल बोलते हैं रिजेक्टेड गुड्स करके इंग्लिश में बोलते हैं रिजेक्टेड गुड्स और उसके लिए मोरा डालते हैं कैसा रेड में रिजेक्टेड करके कैन यू से ये लोग के ऊपर मोरा लगा दिया रिजेक्टेड हाउ कैन दीज पीपल रिसीव द टोकन टेल मी नाउ टेल मी हाउ कैन दीज पीपल रिसीव द टोकन हाउ कैन दीज पीपल विल गो इन द रैप्चर कैसा ये लोग रैप्चर में जा सकता है कब ये लोग रिजेक्टेड करके सील डाल दिया हाँ ये लोग रिजेक्टेड है भाई कितना पैसा वो ड्राइवर वो ड्राइवर की हालत क्या है ड्राइवर को मैं फेसबुक में देखता है सूट बूट पहन के बहुत सुंदर का जैसे अपने आप को बनाया ड्राइवर बेकार का ड्राइवर है वो अपना कलिशे को वैश्य के जैसे भेज दिया और उधर कौन बैठता है मेरे प्यारे मेरे बहन ऐसी लोगों के कलिशे में जो बैठते हैं शर्मिंदा होने चाहिए ये दोनों भी जगदलपुर का लोग है मैं नाम लेके बोलता है दे आर फ्रॉम द जगदलपुर वैस आप लोग अंदाजा लगाओ कौन है वो लोग करके और ऐसे लोगों के साथ डाल्टन ग्रुप का भी कंपनी मिल चुका है डाल्टन ग्रुप का 6 लोग है जगदलपुर में और वो लोग भी हाथ मिलाया क्योंकि वो भी वही कैटेगरी का है डाल्टन ग्रुप का आसमान से उतार के गिर गया डाल्टन ग्रुप वो एक पाखंडी आदमी बेड 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 के ऊपर बैठ के प्रचार करता है ऐसा आदमी ये सब एक ही कैटेगरी के लोग है ये लोग बाकी लोगों के बारे में ये लोग का अंक बहुत बड़ा होता है नॉनसेंस बाकी लोगों के लिए ये लोग न्याय करते हैं बाकी लोगों के बारे में ये लोग क्या क्या बोलता है ये लोग की हालत क्या है ये लोग गंदगी से गंदगी है क्या न्यूज से मैंने प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड वैसे जबरदस्त एक्सपोजिशन
हाँ जबरदस्त खुला सा बहुत समय के बाद, ये मेरे को जरूरी था। वो यस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। ऑल राइट हाँ, ये ड्राइवर और ये क्या बोलते हैं मालूम है, ये ड्राइवर भी ये आदमी भी हमारे पास लाबर्ट का मैसेज है। नॉनसेंस, तुम लाबर्ट का मैसेज का माला डालो, माला गले में माला डालो, लाबर्ट का मैसेज का पूरा किताब को तेरा गले में माला डालो दोनों भी, और जगदलपुर में जाओ उधर इधर लाबर्ट का मैसेज का लामा माला डाल के और खान में रखो और मुंह में रखो नाक में रखो मैसेज को। नॉनसेंस, कोई भी फर्क नहीं है, प्रभु ने तुम लोगों को रिजेक्ट कर दिया, तुम गलत तरीके से दान को ऑपरेट करते हो, गलत तरीके से दान को बगैर होली गोस्ट वही है, जलियन होली गोस्ट है, मत बोलना। हाँ कोई फर्क नहीं है। और एक कोरापुट का एक आदमी है, वो अभी मेरे को एक खबर मिला, आम आदमी पार्टी में है करके वो एक महत्वपूर्ण सदस्यत्व को पाला, वो बहुत कुछ किए वो भी। ये क्या है मालूम है, शाप है। आप लोग थोड़ा जागृत रहे, कभी भी मिनिस्ट्री जिंदा मिनिस्ट्री का खिलाफ कभी भी मत उंगली उठाना, उसका सजा यही है। मैं बोलता मजाक नहीं बोलता, मैं जो भी बोला वो हो गया, मैं नहीं बोलता। द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, द माइटी पावरफुल प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड है हमारे बीच में। और एक चिंगो में आउट, ऐसा बहुत लोग हैं। हाँ इसका इसलिए वचन क्या बोलते हैं, बदला मत लेना, मेरे को छोड़ दो। आम आदमी पार्टी में आम आदमी पार्टी का मेंबर हो गए हो, बहुत कुछ लोग उसको वो लोगों को सर पे रखा, सोचा ये लोग बहुत आदमी के करके सोचा, क्या आदमी के हाँ मेरे होलसेल लोग अभी गुफा के अंदर पूरा छुप गया, अभी वो कोरापुर का ये आम आदमी पार्टी का आप बोलता है आप आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी का भी उनका भी कुछ आवाज नहीं है, कौन से भी फेसबुक में तो गया, वो स्वास्थ्य बंद हो गया अभी, ये दोनों का भी थोड़ा सा समय के लिए, ये लोग भी बंद हो जाएगा, इसका पहले रिपेंट हो भाई, हमको भी चाहिए आप लोग रिपेंट करके सही लाइन में पकड़ने, हम गुस्सा हम ऐसा नहीं है, कोई भी कुछ बोलेगा हम तुरंत तो फोन करता है चलो भाई ऐसा दुनिया मत गिरना, मगर ये लोग बहुत भयंकर खेलने वाला है। ऑल राइट एंड समथिंग वेंट ऊश, ऐसा हो गया अभी मेरे को दर्शन, आई वेटेड, मैंने इंतजार किया और गुफा में उधर इधर जा रहा था, मैंने वहाँ पर खड़ा हो गया और बाइबल को लिया और ऑल राइट उसको पढ़ा और वहां पर मेरे को मिला द रेन कमेथ ऑफ अपॉन अर्थ, ये बारिश आते रहता है, बारिश बोलेगा तो पवित्र आत्मा द होली गोस्ट आते रहता है। यस एंड बट द थॉर्न्स एंड द थिसल्स, जो खांटा और जंगली जो जाड़ है वो इनकार कर दिया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड माल बन गया एंड एंड उसका अंत देखो, कभी भी कौन सा भी मिनिस्ट्री को आप वॉच करते हो उसका अंत को देखो, द एंड इज टू बी बर्न, जला के रखेगा, जला के रॉक बनेगा, रॉक। मेरे को हिला दिया ये, भाई ब्रैनम बोलते हैं मेरे को हिलाया, शेक मी, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओहा और सुनो और एक कोर्स को पढ़ता है, ये कोर्स को मैंने हाउ द एंजल केम टू मी एंड हिज कमीशन 1955, हाउ द एंजल केम टू मी एंड हिज कमीशन 1955। All right. और एक कोर्स को पढ़ना चाहता हूँ, एंड देन विद द लिटिल गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट,
छोटा पवित्र आत्मा का दान के द्वारा आई टॉक टू दोस मैन, मैं वो दोनों से भी बात किया, जस्ट यू नो हाउ इन डिसर्नमेंट मेरे को पहचाने का जो दान है, ए लिटिल वे टू फाइंड आउट, थोड़ा पकड़ने के लिए। वन ऑफ देम वाज अ जेन्युइन क्रिश्चियन, एक जो है जेन्युइन क्रिश्चियन, भाई ब्रैनम रिकमेंड किया, वन ऑफ देम वाज अ जेन्युइन क्रिश्चियन एंड ही वाज रियल सर्वेंट ऑफ गॉड। कैन यू से मैना ही वाज रियल सर्वेंट ऑफ गॉड, सच्चा प्रभु का सेवक है। अदर वन वाज ए हिपोक्राइट, और एक है वो पाखंडी है, ये जगदलपुर का प्रेस। एंड वन ऑफ देम वाज ए हिपोक्राइट लिविंग विद, देखो बराबर सुनो, ये बराबर फिट होता है ऐसी लोग के लिए, जो जगदलपुर का वो नामदारी पास्टर है, नामदारी सेवक बोल के वो ड्राइवर का चर्च में सेवकाई करता है, नामदारी सेवक बोल के ड्राइवर का चर्च में जो वेश्य का जैसा बेच दिया अपना कलीसिया को, वेश्य को कैसा बेचता है वैसा बेच दिया, वहां पर वो लोग के लिए लागू होता है। किसको भेजा? दो औरत को रखने वाले को बेच दिया, दो औरत को रखने वाले को अपना ड्राइवर अपना कलीसिया को बेच दिया। ये जगदलपुर का पिक्चर है, मैं बोल रहा है, रनिंग अराउंड विद द ब्लॉन्ड एंड दोनों के साथ भी वो जा रहा है, दोनों को भी बच्चे लोग हैं। हाँ राइट, इट वॉज देयर इन द विजन, दर्शन में भी मैंने देखा, बाय ब्रैनम दर्शन में, इट कुड नॉट बी डिनाइड, इसको इनकार नहीं कर सकते, देखो कितना सीरियस है। And I spoke to him about it. मैंने उनको बोला, ये इनका ये क्या बोला, मैंने दर्शन में देखा, देखो मैंने दर्शन में देखा, ये सब बातें तुम ठीक नहीं है। बोला वो किसको बोला? वो पाखंडी सेवक को बोला, भाई ब्रैनम। और वो सेवक क्या बोला? He looked at me, मेरे को देखा, and walked around the building. और निकल गए, चले गए, मेरे को देखा और चले गए, बोले गए तो कैरी नहीं है, कैरी नहीं है। He looked at me and walked इन द बिल्डिंग, ऐसा तरीका का इस अनकोट, इसका मतलब क्या है? अरे बोलो कितना भी यूट्यूब का प्रचार करो आप, हमको फर्क नहीं गिरता है। देखो ऐसे लोगों की स्थिति, मगर हम जो जागृत है मेरे ना हमारा काम है। आपको मालूम है मैं एक दिन प्रचार कर, आप लोग प्रार्थना करो, द टैक्टिक्स ऑफ द डेविल इन दिस एंटायर, कैसा डेविल का जो स्वभाव रहता है, कितना भी प्रचार करो, कितना भी बोलो, कितना भी करो, डोंट केयर, ऐसा स्थिति में लोग आ गए, दैट इज अ डेंजरस कंडीशन, दैट इज अ डेंजरस कंडीशन, डेंजरस कंडीशन है, माय गॉड, मेरा प्यारा प्यारे बहनों, ये बहुत डेंजरस कंडीशन है। वैसे उसको बोला भाई ब्रैनम ने, मेरे को दर्शन हो गया, मैंने देखा, देखो बहुत वैसे खा, कौन सा मैसेज है भाई, ये कोटेशन को भी, ये जो है एनॉइंटेड वंस एट द एंड टाइम 1965, एनॉइंटेड वंस एट द एंड टाइम 1965। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। वैसा मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग कभी भी भूलो मत, ये लोग एंड रिजेक्टेड है वो, इसलिए शौक मत होना, आश्चर्य मत होना, क्यों ये लोग ऐसे करते हैं, हकीकत में ये लोग करता है, जेन्युइन होली गोस्ट है, मगर ये लोग रिजेक्टेड है। हाउ मेनी से आमेन, हाउ मेनी एंजॉय दिस, आई एंजॉय दिस मैसेज, आई आप लोग सब उठिए, स्वर्गीय पिताजी ये महान मैसेज के लिए आपको धन्यवाद है, आपने ये मैसेज के द्वारा हमारा पास आज बात किया, होने दे आपका महिमा आपका गौरव, जो भी इसको सुना है उनको आप आशीष देना, धन्यवाद है परमेश्वर। ये ऐसी तरीके का चीज आज होता है, आपका दया हमारे ऊपर होने दे, परमेश्वर जो भी इसको सुनता है अपना रास्ते को बदले, परमेश्वर आपको धन्यवाद है। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल करना, आमीन। अभी भाई बिनिन गाना गाएगा, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद।
थैंक यू।